यहाँ से देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देख रहे हरे महादेव का नहीं का हमारा बाबा वैद्यनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, महादेव जय बाबा वैद्यनाथ। दोस्तों अभी देख रहे हैं ना, हम पहुंच चुके हैं सुइया का शिवलोक में, और देख रहे हैं पीछे साइड ये दुकान नहीं बना था, ये बन के तैयार है। और मैंने बार बार दिखाया, कई बार दिखाया कि ये वाला जो बजरंग होटल है ना, होटल एंड रेस्टोरेंट, देख रहे हैं कितना तैयारी हो चुका है। और कांवरिया यहाँ रुकते भी हैं और अभी भी देख रहे हैं यहाँ पर तैयारी चल रही है। तो जो है ना लगातार अपडेट आप तक पहुँचता जा रहा है, तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो लगातार आप तक पहुँचते रहेगा सबसे पहले। और यहाँ पर भी देख रहे हैं ना, एक बड़ा वाला दुकान यहाँ पर भी बन रहा है, और लगातार जो है ना दुकान ही दुकान बन रहा है, बस कांवरिया पथ पर जो है ना दुकान ही बचा हुआ है बनने के लिए। तो लगातार दुकान दुकान बिल्कुल दुकान ही, जिसकी कमी थी वो हो रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पहले जो है दुकान नहीं बनेगा, लेकिन अब बहुत दुकान जो है ना बनने लगा है। देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर तैयार है, इधर में देख रहे हैं ये वाला बनकर तैयार है। और फिर आगे चलते हैं और आगे भी दिखाते जाते हैं कि कैसा कैसा जो है यहाँ पर तैयारी है। और यहाँ पर दो दो दुकान जो है ना बड़ा वाला तैयार हो चुका है, इस जगह पर भी देखने एक और तैयार हो गया है। तो ये सभी दुकानों की जो तैयारी है और लगातार होते जा रही है और हो भी गई है। तो चलिए और वीडियो में आगे हम बढ़ते हुए दिखाते हैं कांवरिया पथ पर, फिलहाल तो पैदल ही जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल निशुल्क शौचालय है शिवलोक का, देख रहे हैं स्नानगार शौचालय, बिल्कुल बिहार सरकार, देख रहे हैं ये सरकारी शौचालय है, जो कि यहाँ पर सुविधा अच्छी सुविधा है। और यहाँ पर देख रहे हैं ना, और मैं बात कर रहा था ये वाला नया दुकान एक और बन गया है, देख रहे हैं बिल्कुल दुकान ही दुकान बन गया है सुइया पहाड़ शिवलोक में। और यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ महादेव पार्वती, हर हर महादेव और जय महादेव। और यहाँ से देख रहे हैं बाबा धाम की दूरी 43 किलोमीटर, और ये वाला दुकान नहीं बना था, देख रहे हैं यहाँ बन गया। फिर जो है ना नीचे देख रहे हैं कई सारे दुकान जो है बन रहे हैं। तो फिलहाल देख रहे हैं दोस्तों फिर बारिश हो गई, और सामने देख रहे हैं कई सारे कांवरिया जा रहे हैं नीचे में। और फिलहाल जो है हम बढ़ते जा रहे हैं और बहुत ही तेज़ी से, क्योंकि बारिश हो रही है तो हमें जो है ना बढ़ते जाना पड़ेगा और तेज़ी से बढ़ना पड़ेगा, कांवरियों के साथ ही चलना पड़ेगा। देख रहे हैं ना, और लगातार जो है हम आपको दिखाते जा रहे हैं, तो बढ़ते जा रहे हैं। ये वाला भी दुकान देख रहे हैं ना बहुत तेज़ी से बनकर तैयार हो गया है। और लगातार जो है काम चलते जा रहा है। तो फिलहाल देख रहे हैं पहुँच चुके हैं और ऐसे जगह पर, और फिर यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल तैयारी तेज़ी में है, और ये वाला भी दुकान बन रहा है और कांवरिया भी चलने लगे हैं। और मानिए ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सावन वाला मौसम आ गया है और बारिश भी बहुत तेज़ी से हो रही है। तो फिलहाल जो है हमें वो सभी कांवरियों के पास जाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा उनको भी कवर करते हैं, फिर दिखाते हैं आप सभी को कितना अच्छा लग रहा है। तो हमें जो है ना दौड़ के जाना पड़ रहा है, क्योंकि इस रास्ते में अभी जो है ना बाइक नहीं चल सकता। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पर देखिए कांवरियों की जो ये जो लाइन है ना सावन के महीने में ना, ये यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा, एकदम मस्त सीन लगेगा दिखने में। और फिर जो है ना वो कांवरिया देख रहे हैं वहाँ पीछे छूट चुके हैं, हम बढ़ते हुए आ रहे हैं और इस साइड भी चलते हैं, और हमें जाना है वहाँ तक, वो देख रहे हैं वहाँ तक मेन रोड तक, क्योंकि मैं भाई को अपने भाई साहब को बाइक से देख रहे हैं मेन रोड से जा रहे हैं, वो उनको भेज दिया मैं। और फिलहाल जो है ना हम जा रहे हैं पैदल। और पहले के समय में जो कांवरिया पथ था ना, देख रहे हैं ऐसा पानी था, क्योंकि यहाँ पर इतना ऊंचा नहीं था, ऐसा पानी था, और इसी पानी में हो करके पैदल पार होते थे इस जगह पर, सुइया के इस जगह पर, क्योंकि दोस्तों ये पूरा खेत और नदी जोर बहाव जैसा पूरा होता था, खेत में पानी होता था, पानी के बीच से आप पार होते थे। और कांवरिया भी देख रहे हैं ना बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, ये देखिए। और फिलहाल देख रहे हैं बढ़ते बढ़ते हम पहुंच चुके हैं सभी कांवरियों के साथ, और देख रहे हैं लगातार जा रहे हैं। और आगे जो है दोस्तों पड़ता है गरुआ का क्षेत्र, और उसके आगे लगता है झाझा कैंप, और जो कि वो वाला सब बड़ा सा दिखाई दे रहा है वो लगता है झाझा कैंप, जिसको आपने देखने की कोशिश की, उसका अपडेट भी हमने दिया। और फिर अभी हम जा रहे हैं, उनको भी दिखाएंगे, उनको भी कवर करेंगे वीडियो में। हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, बोल बम, लगातार देख रहे हैं दोस्तों बोल बम का नारा तो गूंजता ही जा रहा है। और देख रहे हैं अभी जो बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम हो तो देख रहे हैं दोस्तों पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और कांवरिया पथ पर देख रहे हैं बालू ज़्यादा बिखरने लगा है फिर से, क्योंकि सभी बालू जम भी रहे हैं। और मिथिलांचल का सब बम है, मिथिलांचल और सभी कांवरिये देख रहे हैं मिथिलांचल के हैं। और फिलहाल हम दिखाते हैं एक बार कवर करके कि इधर से कैसा लग रहा है, तो यहाँ से देखिए कितना अच्छा लग रहा है,
हरे हरे महादेव का नहीं हमारा बाबा बैद्यनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, हर हर महादेव। कितना अच्छा लगता है दोस्तों, कांवरिया पथ पर मिलते हैं इतने सारे कांवरिया। और फिलहाल हम जो है ना बढ़ते हुए जा रहे हैं और वहाँ पर दिखाएंगे वो वाला। ये वाला तो अभी तक स्ट्रक्चर बना ही है, लगातार हमने आपको अपडेट में दिखाते हुए जा रहे हैं। और सामने देख रहे हैं कि झाझा का कैंप बना है, उसको भी हम जा कर के दिखाएंगे। और फिलहाल जो है हम जो है ना कांवरियों के साथ साथ चल रहे हैं, और बारिश भी आ गई तो हमें जो है ना बहुत तेज़ी से भागना पड़ेगा। देख रहे हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं गरुआ वाले क्षेत्र में, और सभी कांवरिया हमारे साथ साथ आ रहे हैं, हम भी जा रहे हैं कांवरियों के साथ साथ। और यहाँ पर देख रहे हैं एक मंदिर है, इसी मंदिर का आप लोग ज़्यादातर जिक्र किया करते हैं गरुआ में, क्योंकि दोस्तों इस जगह पर एक यही मंदिर है और यहाँ पर आसपास में कोई मंदिर नहीं है। तो लगातार देख रहे हैं ना चलते जा रहे हैं, और बारिश तेज़ हो रही है तो थोड़ा सा हमें जो है आगे जाना पड़ेगा। और दिखाते हैं बस यहाँ से आगे झाझा कैंप तक चल करके। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों हम पहुँच चुके हैं ये ब्रिज के पास, और सामने देख रहे हैं झाझा का कैंप किस प्रकार है। और इसकी तैयारी हमने पहले आपको दिया था किस प्रकार था उस वक्त, जो है ना पहला वाला छत यहाँ पर डाला जा रहा था, अब भी देख रहे हैं चारों तरफ बना दिया गया है। और दिखने से लगता है कि पूरा जो है ना ये दुकान है, और ये दुकान नहीं है झाझा कैंप है, मतलब ये शिविर है कांवरियों के लिए। वो हमने बताया था कि लकड़ी का जो है और टेम्पल बनाया जाता है, वो देखिए किस प्रकार है, वही टेम्पल जैसा लगता है उसको जब पूरा डिज़ाइन करेगा। अभी तो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, ये देखिए झाझा कैंप, और उस वक्त ना बहुत अच्छा लगता है। अभी तो सिर्फ बांस का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, और पूरी जब तैयारी होगी ना और जब मेला भी शुरू हो जाएगा तो उस वक्त जो है ना अपडेट आपको मिलेगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ शिविर ही तैयार हो रहा है। और लगातार अपडेट आप तक मिलता जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो देख रहे हैं ना हम पहुंच चुके हैं ये झाझा कैंप शिविर के पास, और पूरा शिविर देख रहे हैं वहां से लेकर के पूरा वहां तक किस प्रकार देख रहे हैं तैयार हो गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, क्योंकि लगातार अपडेट हम आप तक पहुँचाते जाते हैं। तो अभी भी कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं भी बोल नहीं पा रहा हूँ दोस्तों, बहुत चलना पड़ता है। देखा आपने शिवलोक से मैं यहाँ तक हाईवे तक देख रहे हैं, हाईवे तक पैदल ही चल कर के आया है, क्योंकि कांवरिया पथ पर अभी बाइक नहीं चल सकती, बहुत बारिश हो रही है, पथ पूरा गीला है। तो हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ आप सभी का झाझा कैंप के पास से।